हाय एवरीवन, तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही स्पाइसी चटपटी मज़ेदार सी मैगी। बिना किसी वेजीज ऐड किए मैं यहाँ पे चटपटे मज़ेदार सी मैगी की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट मैगी का लिया है। सबसे पहले हमें मैगी को कुक कर लेना। तो यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा पानी डाल के मैगी के पैकेट को फाड़ के मैगी को मैंने कुक कर लिया है। मैगी अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे तो इसे मैं छन्नी वाली बर्तन में निकाल लूँगी। ये जो मैगी के पानी है मैं इसे थोड़े से एक कटोरी में रख लूँगी। उसके बाद मैं सेम पैन लूँगी, उस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। एक गार्लिक मैंने चॉप कर लिया था उसे डाल देंगे। 10 से 15 सेकंड तक गार्लिक को हमें रोस्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। स्पाइसी मैगी बना रहे हैं तो मैं इसमें 2 पैकेट चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। उसके बाद मैंने इसमें इटालियन हर्ब ऐड किया है 1 पैकेट, और ये दोनों पैकेट मैगी का मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इन सबको ऐड करने के बाद मैगी का जो पानी मैंने बचा के रखा था उसे हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। इन सबको ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। मैं 15 से 20 सेकंड तक इसे अच्छे तरीके से कुक कर लूंगी। ये देखिए मसाले जो है वो अच्छे तरीके से जब कुक हो जाएंगे तो इसमें हमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स चॉप करके डाल देना है। इसे डाल के मैं फिर से 15 से 20 सेकंड तक इसे कुक कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें मैगी डाल देना है। मैगी डालने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से हल्के हाथों से चला देना है और 15 से 20 सेकंड तक फिर से मैं इसे कुक कर लूँगी। ऊपर से मैं फिर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दूँगी। उसके बाद आप लोग इसे ट्राई करो। बहुत ही स्पाइसी चटपटी और मिनटों में बनने वाली ये मैगी की रेसिपी है। एक बार इसे ट्राई करो और मज़े से खाओ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। तो आप लोग इसे ट्राई करो। तब तक के लिए चलो बाय।